Welcome to WeLearn Networks. This is session number 9 of Subject Enterprise Resource Planning, and we will cover the chapter ERP or CRM Perspective. The topic that we will cover in these sessions are Customer Relationship Management, Types of CRM, Implementation of CRM, Benefits of CRM, and Challenges of CRM. Customer relationship management. CRM सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस एंड द कस्टमर सर्विस सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस जो हमारा मेन CRM सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस ही सपोर्ट करता है और ये ये भी देखता है कि हम कस्टमर्स को किस तरह की सर्विस दे रहे हैं उनकी सेल्स और मार्केटिंग फंक्शंस क्या क्या हैं सी आर एम सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है हमारे पास में एक स्टैंड लोन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के तौर पर या फिर हम उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हमारे ई आर पी सिस्टम के साथ इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम अ प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ ई आर पी सॉफ़्टवेयर सोल्यूशंस तो जो हमारा सी आर एम है वो आजकल हमारी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एक स्पेशल मॉड्यूल बन गया है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बन गया है जिसके बिना हमारा ई आर पी सिस्टम अधूरा है सी आर एम वॉज अर्लियर जस्ट अ लेवल फॉर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर बट टूडे हमारी जितनी भी कंपनीज वाइड बिजनेसिस होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे बिजनेसिस चलते हैं वहाँ पर ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं हम हमारे सी आर एम सिस्टम्स को ई आर पी सी आर एम मॉड्यूल हेल्प्स यू नो योर कस्टमर्स बेटर इट अटैम्प टू एनहेंस द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स जो ये हमारा ई आर पी सी आर एम मॉड्यूल होता है ये कस्टमर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन है इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है और ये ये भी हेल्प करता है कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से जाने। इट अटैम्प टू एनहैन्स द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स सी आर एम इज़ ब्रॉडली रिकॉगनाइज वाइडली इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग अ कंपनीज इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एंड सेल्स प्रॉस्पेक्ट जो हमारा सी आर एम होता है वो हम उसे ब्रॉडली रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर उसकी जो स्ट्रेटजी होती है वो वाइडली इम्प्लीमेंटेड होती है ताकि हम कंपनी के साथ में एक अच्छा इंटरेक्शन मैनेज कर सकें कस्टमर्स के साथ या फिर सेल्स प्रोस्पेक्ट हैं उनके साथ गोल ऑफ सी आर एम सिस्टम इज़ टू लर्न मोर अबाउट कस्टमर्स नीड एंड बिहेवियर इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रोंगर रिलेशनशिप जो गोल होता है सी आर सिस्टम्स का वो ये होता है कि हम अच्छी तरीके से हमारे कस्टमर्स की नीड को समझ सके या फिर उन कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है उसको समझ सके ताकि एक अच्छा या और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकें हमारे सी सिस्टम में ऐसा हम इसलिए ये कर सकते हैं ताकि हम एक्वायर और एनहैंस और रिटेन कर सकें हमारे कस्टमर्स को कि क्या कौन कौन से कस्टमर्स हमारे पास में आएंगे और हमारे पास में ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स आएँ और जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं हम उनको रिटेन करके अपने पास में रख पाएँ यू कैन यूज़ द सी आर एम सिस्टम टू हम सी आर एम सिस्टम को इन इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं पहला कि हम डेवलप मेंटेन और इम्प्रूव कर सकें हमारे कस्टमर रिलेशनशिप को दूसरा हम कैप्चर कर सकें हमारे कस्टमर की इंटरेक्शन इट इंटरक्श को हम कस्टमर ड्रिवन अप्रोच अपना सके मींस जो हम काम करें वो सिर्फ कस्टमर के लिए करें इसलिए जो हम हमारी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सकती है फिर है हमारा इन हम अपने रिवेन्यू जो है हमारे उनको और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हमारे से ले सकें सी आर एम इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस सिम्पली मीन्स मैनेजिंग ऑल कस्टमर्स इंटरेक्शन जो सी आर एम है वो ब्रॉडली हम उसे कहते हैं कि ये सिर्फ हम कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं इट हेल्प्स यू इंटरेक्ट मोर इफेक्टिवली विद योर कस्टमर्स इन ऑल स्टेज ऑफ योर रिलेशनशिप विद डैम ये इंटरेक्ट करवाता है कि कितने एफिशिएंटली हम कस्टमर्स के साथ में अपने रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं दीज स्टेजेस आर नोन एज कस्टमर लाइफ साइकिल इन स्टेजेस को हम कस्टमर लाइफ साइकिल कहते हैं और ये तीन स्टेजेस की होती है पहला कि एक्वायरिंग कस्टमर्स कि हम कस्टमर्स को एक्वायर करें किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए फिर होता है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर की मीन्स हम नए नए तरीके निकालें जिससे कि हम अपने कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकें मींस वो कस्टमर बार बार हमारे पास में आए और रिटेनिंग गुड कस्टमर्स और जो कस्टमर्स अच्छे हैं हमारी कंपनी के साथ में लॉयल हैं उनको रिटेन करके अपने पास में रखें कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम बेसिकली जो हमारा सीआरएम सिस्टम होता है वो चार कॉम्पोनेंट्स पर बेस्ड होता है पहला है सी का सॉफ्टवेयर कि हम किस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं हमारे सी सिस्टम में तो ये वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो पर्टेन करती है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को किसी फंक्शनल एरिया में और मेंटेन करती है एक अच्छा और स्ट्रांग रिलेशनशिप हमारे कस्टमर के साथ में दूसरा जो कंपोनेंट है वो होता है हमारे बिज़नेस प्रोसेसेस कि हम किस तरीके के बिज़नेस प्रोसेस के लिए अपने से अपने सी आर एम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तीन तरह के बिज़नेस लेवल्स होते हैं या फिर ग्रुप कर सकते हैं हम अपने बिजनेस प्रोसेस को पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दूसरा होता है मैनेजमेंट कंट्रोल और तीसरा होता है ऑपरेशनल ऑपरेशनल कंट्रोल तो ये जो हमारा सी आर एम सिस्टम होता है वो यूज़ करता है वो दो प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है पहला होता है मैनेजमेंट कंट्रोल और दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल यूजर्स हमारा तीसरे कंपोनेंट होते हैं ये वो वो प्राइमरी यूज़र्स होते हैं जो हमारे सी आर सिस्टम को यूज़ करते हैं जैसे कि वर्कर्स वर्कर्स यूज़ करते हैं जो परफॉर्म करते हैं हमारे मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल्स को और जो चौथा कंपोनेंट है वो है हमारा हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम किस हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है जैसे कि हमारे यूनिक्स या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स ऑफ सी आर एम सी आर एम इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर कस्टमर्स पार्टनर वेंडर एंड अदर स्टेक होल्डर्स एफक्टिवली एंड एफिशियंटली तो जो हमारा सी आर एम सिस्टम होता है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी कंपनी के कस्टमर्स हैं पार्टनर्स हैं वेंडर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकें द सी आर एम शुड बी एक सी आर एम के पास में ये ये फ़ीचर्स होने चाहिए जैसे कि वो एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जहाँ पे हम अपने वर्ल्ड वाइड जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे डेटा को ले सकें नेक्स्ट इज़ इधर आट स्टैंड लोन एप्लीकेशन और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कि हमारा सी आर एम सिस्टम एक स्टैंड लोन एप्लीकेशन होना चाहिए या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए रिमोटली एक्सेसिबल होना चाहिए कि मीन्स हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ कैपेबल ऑफ़ सीमलेसली इंटीग्रेटिंग विद अदर ई आर पी मॉड्यूल्स की मीन्स बहुत सारे जो ई आर पी मॉड्यूल्स हैं बाकी के ई आर पी मॉड्यूल्स जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर और कोई है उससे हमारा सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाना चाहिए और लास्ट है हमारा जो लास्ट फीचर है वो ये होता है कि इंटीग्रेट विथ सर्विस एंड सेल्स मैनेजमेंट कि जो हमारी सर्विस और सेल्स मैनेजमेंट है उसके साथ में इंटीग्रेट रहे टाइप्स ऑफ सी आर एम तीन मेन टाइप्स के सीआरएम होते हैं पहला होता है ऑपरेशनल सीआरएम दूसरा होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम और तीसरा होता है एनालिटिकल सीआरएम जो हमारा ऑपरेशनल सीआरएम होता है वो कंप्लीटली फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ के साथ में डील करता है इट डील्स विद प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्रंट ऑफिस सपोर्ट टू सेल्स मार्केटिंग एंड सिमिलर सर्विसेज जो हमारा कोलेबरेटिव सी होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे कस्टमर्स के साथ में और इसमें कोई बाकी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जैसे कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती दिस सी आर एम डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद कस्टमर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेल्स और सर्विस रिप्रजेंटेटिवस कोलेबरेटिव सी आर एम प्रोवाइडिंग एफिशेंट कम्युनिकेशन एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के साथ में एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि हम कस्टमर की सर्विस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें प्रोवाइड करता है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी और कोलेबरेटिव सीआरएम रिड्यूस करता है कंपनी की कॉस्ट को ताकि हम सर्विसेज को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ जो हमारे एनालिटिकल सीआरएम है वो एनालाइज करता है हमारे कस्टमर के डेटा को और ये आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी के कंपनी किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को एन्हेंस कर सकती है हमारे कस्टमर्स के साथ सब मॉड्यूल्स ऑफ सीआरएम जो हमारे मेन जो हमारे सीआरएम सिस्टम है उसके तीन सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं हम उनको तीन मॉड्यूल्स में स्टडी कर सकते हैं पहला होता है मार्केटिंग मॉड्यूल जो फंक्शनैलिटी होती है मार्केटिंग मॉड्यूल की वो होती है कि ये शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन किसी मार्केट के लिए देता है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करता है किसी कंपनी के लिए सर्विस मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल ऑफ सी आर एम फोकसेज ऑन मैनेजिंग प्लान एंड अन कस्टमर सर्विसेज और लास्ट है हमारा सेल्स मॉड्यूल सेल्स मॉड्यूल ऑफ सी आर एम फोकसेज ऑन मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्री सेल्स प्रोसेस ऑफ द कंपनी बाय मेकिंग इट मोर ऑर्गेनाइज्ड फिर वेरिएशंस इन सी आर एम एक सी आर एम को हम बहुत सारे वेरिएशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो वेरिएशंस होते हैं वो सिर्फ हमने अभी तक ऑपरेशनल सी आर एम में ही देखे हैं जो पहला वेरिएशन है वो है एस एफ ए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन ये क्या करता है इट ये प्रोवाइड करता है बहुत सारी कैपेबिलिटीज के एक एरे को जहाँ पे हम अपने सेल्स प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके रख सकते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारी मैनुअल डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन दिस सिस्टम हेल्प्स द एंटरप्राइज आइडेंटिफाई एंड टारगेट्स इट्स बेस्ट कस्टमर एंड जनरेट क्वालिफाइड लीड्स फॉर द सेल्स टीम ये क्या करता है कि हमें आइडेंटिफ़ाई एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें और जो बेस्ट कस्टमर्स हैं हमारे उनको आइडेंटिफाई और टारगेट कर सकें कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है और ऑटोमेट करता है ये कि हम कुछ सर्विस रिक्वेस्ट कंप्लेंट्स और प्रोडक्ट की इंक्वायरीज को अच्छे से निभा सके या फिर अगर कोई फॉल्ट आया है हमारे प्रोडक्ट में उसको रिप्लेस कर दें या फिर उसमें जो प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व करें Implementing CRM, the process of building CRM system can be divided into two phase First one is CRM selection and second one is CRM implementation. जो हमारे CRM को बनाने का तरीका है वो दो phases में है कि हम choose करें एक best CRM को और दूसरा है कि हम implement करें उस CRM को जो हमने choose किया है। तो पहला है choosing a CRM कि हम एक अच्छा CRM system कैसे choose करें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे पावरफुल सी आर एम हैं सॉफ्टवेयर मौजूद हैं पर कि हर कंपनी की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा सी आर एम चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है टू चूज़ आ राइट एंड पावरफुल सी आर एम सोल्यूशन आ कंपनी मस्ट नो वाट टू लुक फॉर अगर हमें एक किसी कंपनी के लिए एक अच्छा और पावरफुल सी आर एम सोल्यूशन ढूंढना है या फिर चूज़ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड जब हम एक अच्छा सी आर एम सिस्टम खरीदने की सोचते हैं तो हमें ये ये पॉइंट्स अपने आप से या फिर कंसिडरेशन में रखने चाहिए पहला कि क्या वो कंपनी की स्ट्रेटजीज और गोल्स को समझ पाएगा या फिर जो अगर हमारा जो सी आर एम सिस्टम है हमें उसे वेब वेब बेस्ड होना चाहिए या फिर उसे वेब बेस्ड बनाना चाहिए जो हमारा तीसरा कंसिडरेशन है वो ये है कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर भी इफ़ेक्ट ना डाले फिर जो चौथा पॉइंट है वो है चेक फॉर स्केलेबिलिटी मींस कि वो स्केलेबल है हमारा कि जो भी अगर हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ग्रो कर रहे हैं तो क्या सीआरएम भी उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा फिर है हमारा इंप्लीमेंटेशन टाइम कि ज़्यादा टाइम ना लगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे कं सी आर एम सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा और जो लास्ट पॉइंट है कि यूजेबिलिटी कि जिस चीज़ के लिए हमने सी आर एम को चूज़ किया है क्या वो परफॉर्म वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा बेनिफिट मस्ट बी डिफाइंड रिस्क एक्सेस्ड एंड मोस्ट क्वांटिफाइड इन थ्री जनरल एरियाज फर्स्ट इज प्रोसेस सेकेंड इज़ बिजनेस एंड थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी इन एरियाज़ में हमें हमारे बेनिफिट्स को भी चूज़ करना चाहिए मीन्स कि अगर इन तीनों एरियाज़ में हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं तभी हमारे सी आर एम एक परफेक्ट सी आर एम है इम्प्लीमेंटिंग इशूज़ ये वो इशूज़ होते हैं जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आरइज होते हैं पहला की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है दूसरा कि वर्क टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन की हम इजीली हमारे उसको ओवर over, ओवरकम कर सके या फिर ऑर्गेनाइजेशन शुड ओवरकम लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉमन गोल्स अमंग डिपार्टमेंट जो भी हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट्स के बीच में उसको ओवरकम करे और जो तीसरा है इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन इश्यूज हैं सी आर एम इज़ फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव डेट एड्रेस अ ग्लेरिंग नीड लाइक इंप्रूविंग अ पर्टिकुलर कस्टमर फेसिंग प्रोसेस सी आर एम अडोप्शन इशूज़ की कुछ अडोप्शन इशूज हैं मीन्स कुछ एरियाज हैं जो बताते हैं कि सी आर एम जो है अडोप्ट करने के लायक नहीं है या फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि हम उसको अपनी तरफ से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं अकंटेम्प्रोनीस ए आर एम रिसर्च स्टडी फाउंड दैट आउट ऑफ एट्टी लार्ज कस्टमर्स सर्वेड फोर्टी सेवन है डिफिकल्टी विद एंड यूजर अडॉपशन लीडिंग टू अबर्नडेंट प्रोजेक्ट्स और अनयूज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स इसमें बताया कि एट्टी परसेंट जितने भी हमने एट्टी कस्टमर्स को सर्वे किया वो ये बताते हैं कि वो 40% परसेंट उनमें से जो फोर्टी सेवन परसेंट है वो सी आर एम से खुश नहीं है जो एंड प्रोडक्ट आया है सी आर एम का उससे खुश नहीं है इससे क्या हुआ कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स को अबंडन मीन्स बीच में ही रोकना पड़ा और कुछ जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं वो अधूरे ही रह गए जो मेन मेजर इशू होता है इस सी आर एम की इम्प्लीमेंटेशन में वो ये होता है कि हमारी जो डेटा का सिंक्रनाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता जो स्पेशलिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि उन्हें ये ये जो तीन नीचे तीन पॉइंट्स हैं वो अडॉप्ट करें ताकि हमारी जो यूज़र्स हैं वो ब्लेंड हो सके डेली वर्क लाइफ में या डेली वर्क फ्लो के साथ पहला है चूज़ अ सिस्टम दैट इज़ इजी टू यूज़ वर्कर को वो वो सिस्टम यूज़ करना चाहिए जिसके लिए वो आसानी से यूजफुल है या फिर उसे आसानी से यूज कर सकता है सेकंड है चूज़ द राइट कैपेबिलिटीज की मींस हमें वर्कर्स को वो काम देना चाहिए जो जिसमें वो माहिर हैं और तीसरा प्रोवाइड ट्रेनिंग कि अगर हमने कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया है तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें हमारे यूजर्स को बेनिफिट्स ऑफ सी आर एम अब प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड सी आर एम सिस्टम कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचा सकता है एक सी आर एम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वह एक सिस्टम है यहां पर हम सिस्टम के को कह रहे हैं थ्री पीज मीज पीपल प्रोसीजर और प्रोग्राम्स तो जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमें शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिलता है एक सीआरएम सिस्टम का बेटर कस्टमर सर्विस होती है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर की रिटेंशन बेटर होती है बिज़नेस ज़्यादा जा, से ज़्यादा बिजनेस हमारे पास में आता है और जितना ज़्यादा बिजनेस हमारे पास में आएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है सीआरएम का कि ये जो हमारा सी आर एम है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है यही हमारा सबसे मेजर बेनिफिट है सी आर एम सिस्टम्स को यूज़ करने का इंक्रीज सेल्स थ्रू बेटर टाइमिंग आइडेंटिफाइंग नीड्स मोर इफेक्टिवली क्रॉस सेलिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल कस्टमर कंपनीज चैलेंजेस ऑफ सीआरएम जो मेन की चैलेंजेस है सीआरएम के वो हैं कि हम अच्छी तरीके से सीआरएम को समझें जो अगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई करें कोई कोर टीम नहीं होती सीआरएम uh, के लिए इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास में कॉस्टिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है मीनस ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकते हैं हमारे सी सिस्टम्स प्रोडक्ट इवेल्यूएशन मैट्रिक्स हमें डेवलप करना पड़ता है गेटिंग यूजर अडोप्शन की यूजर उसको अडॉप्ट कर पाए अच्छी तरीके से इसमें भी हमें कभी कभार प्रॉब्लम आती है मैनेजिंग द एप्लीकेशन कि ठीक से हम एप्लीकेशन को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे और लास्ट है कि डिफाइन हम प्रोसेस को ठीक से डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे डू इट योर सेल्फ दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू परफॉर्म बाई योर सेल्फ फर्स्ट वन इज What are the benefits of CRM system? And second one is briefly explain the functionalities of CRM sub modules. Thank you for this session.